झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच अब सभी की निगाहें राजभवन में टिकी हुई है। झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी मौजूद है। सीधा इनसे जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की सियासत में बेहद हलचल देखने को मिली, उसको आप पहले किस रूप से ले रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जिस तरह से षड्यंत्र चल रहा है, जहाँ भी जिस भी राज्य में गैर भाजपाई शासन है, वहाँ वहाँ षड्यंत्र काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। हाल के दिनों में अपने महाराष्ट्र में देखा, बिहार में भी कोशिश हुई, दिल्ली में भी हो रहा है और भी कई राज्यों में लगातार इस तरह से हो रहा है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि झारखंड में भी लगातार इस तरह की साजिश, जब से हमारी सरकार बनी है कांग्रेस जेएमएम राजद की, तब से इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। और ऑपरेशन लोटस जो इतना फेमस हो गया है, कि यहाँ भी कहीं ना कहीं इसकी कोशिशें चल रही हैं। पिछले दिनों कोलकाता में जो गिरफ्तारियाँ हुई विधायकों की, उससे भी ये बात सामने आई, बार बार हवा में ये बात है। और ऐसे में जब चुनाव आयोग ने पत्र भेजा है माननीय राज्यपाल के पास, तो उसमें क्या लिखा है और उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी या क्या कुछ भी नहीं बताया जाना, ये भी संदेह पैदा करता है। इसीलिए राजभवन में राज्यपाल ने तो स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें लेटर प्राप्त हुई है, लेकिन आखिर वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया लोगों की निगाहें राजभवन में टिकी हुई है। इसी को लेकर यहाँ की जनता भी भ्रम में है और कार्यकर्ता भ्रम में है, हमारी पार्टी के और गठबंधन के, और हमारी प्रवक्ता भी बार बार इस बात को याद दिला रहे हैं कि जब लेटर आ गया है तो इतना लेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें जो शासक हैं, शासक वर्ग में भी अनिश्चितता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि आंकड़ों के मामले में हम कितने स्ट्रांग हैं और सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर उस पत्र में है क्या, इसको लेकर सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है। और सबसे अजीब सी बात यह है कि भाजपा के सांसद और माननीय विधायकगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, ये लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं। इन लोगों के ट्विटर हैंडल से ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जो कि अभी तक ऑफिशियली मार्केट में नहीं है, तो ये शक पैदा होता है कि भाई आखिर उनको ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है, और अगर ये लीक हो रहा है कहीं से संवैधानिक संस्थाओं से, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कि कौन सा अधिकारी इन बातों को लीक कर रहा है। ये तो बहुत गहरा संकट है लोकतंत्र के। यूपीए खेमे के विधायक रायपुर गए हुए थे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्योंकि झारखंड की राजनीति में बेहद हलचल भी देखने को मिल रही थी, आखिर वहाँ क्यों गए थे? देखिए, ये कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से कदम उठा सकते हैं, ये उनका ये राइट है। और ये जो परिपाटी है, ये भाजपा के द्वारा ही शुरू की गई है। आपको पता होगा 2005 में जब यहाँ भाजपा की सरकार थी, उस समय भी विधायकों को लेकर, निर्दलीय विधायकों को लेकर जयपुर जाया गया था, जहाँ पर वहाँ की महारानी ने खुद उनकी अवगत की थी। उसी तरह से असम में भी ये देखने को मिला। तो जहाँ जहाँ मतलब इस तरह से बार बार देखने को मिलता है, और उसी के तहत सावधानी के तहत ये कदम उठाया गया। विशेष विधानसभा सत्र में कहीं ना कहीं ये दिखाने ज़रूरी था कि यूपीए खेमे के तमाम जो विधायक एक साथ है, क्या यही दिखाना था? देखिए, कोई भी अपना पक्ष तो रखेगा ही ना, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ठीक, धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी महुआ मांझी जी, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर आप सभी को जानकारी दे दूंगी कि झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच कई यूपीए खेमे के विधायक रायपुर शिफ्ट हुए थे, लेकिन उसको लेकर भी हमने महुआ मांझी से बात की। इन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि अगर हमारे घर में चोरी होगी तो क्या हम अपने घर को चोरी से नहीं बचाएंगे। इसी को लेकर तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो रिजॉर्ट गए थे। हालांकि कई मुद्दों पर हमने इनके साथ चर्चाएं की, साथ ही साथ हमने पूछे कि किस तरीके से विशेष विधानसभा में तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक है वो कहीं ना कहीं झारखंडवासियों और देशवासियों को ये मैसेज दे रहे थे कि हम साथ साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मैसेज अगर हम लोग झारखंडवासियों और देशवासियों को दिखा रहे थे तो इसमें क्या कुछ गलत है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से अभी सभी की निगाहें राजभवन में टिकी हुई है, तो इनका कहना है कि राज्यपाल को जल्द से जल्द तमाम चीज़ों को पब्लिक डोमेन में रखने की आवश्यकता है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।